Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो दोस्तों, थ्रिलिनस पर आपका स्वागत है। आज फिर से एक नई रोमांचक कहानी के साथ आया हूँ, तो चलिए कहानी शुरू करते हैं सुनील के साथ। एक बार की बात है, मंगेश की बीवी ने घर आते वक्त भाजी लाने को कही थी, पर मंगेश को ये बात याद ही नहीं रहा कि उसे आते वक्त कुछ लाना है। जब उसको याद आया तब तक काफ़ी लेट हो चुका था और लगभग से वो अपने गांव भी पहुंच गया था, और उसके गांव शहर और रोड से बहुत हटके था, जिस वजह से वहां बहुत जल्दी सारी चीज़ें बंद हो जाती थी। पर फिर भी सामान तो लेकर जाना ही था, क्योंकि अगर वो लेके नहीं जाता तो उसे शर्मिंदा होना पड़ता। वो गांव के अगल बगल एक राउंड मारा तो उसे कुछ नहीं मिला, तो वो ढूंढते ढूंढते थोड़ा आगे गया। वहां पर एक किनारे में बैठे हुए कुछ सब्जियां लेकर एक बूढ़ी सी औरत बैठी थी। वो इस बात से खुश होकर उसके पास गया और कुछ बाजी खरीदी। जब उसे पैसे देने की बात आई तो मंगेश ने देखा उसके पास पैसे थोड़े कम थे, जिस पर वो बूढ़ी औरत ने मुस्कुराते हुए कल देने की बात कहकर सारी चीजें दे दी। फिर मंगेश भी खुशी खुशी घर आया और दोनों ने मिलकर खाना खाया। सुबह हुई तो वो खेत के लिए निकला और वही रास्ते से गया जहां से वो कल रात को भाजी लिया था। जब वो वहां से पहुंचा तो देखा वहां अभी कोई नहीं था। उसी शाम जब वो खेत से अपने काम करके निकल रहा था तो रास्ते में उसने वही भाजी वाली औरत को देखा, पर उसके पास उस वक्त कुछ पैसा नहीं था, इसलिए वो रास्ता बदल कर घर आ गया। दूसरे शाम को जब वो खेत से लौट रहा था तब उसने ध्यान दिया तो देखा वही औरत उसके घर से कुछ दूरी पर भाजी लेकर बैठी थी। लेकिन इस बार मुश्किल था दूसरे रास्ते से जाना, क्योंकि कोई और रास्ता था ही नहीं। तो वो भी सोचा अगर वो कुछ बोलेगी तो उसे मैं घर जाके उसे पैसे दे दूंगा, और ऐसा सोचकर आगे बढ़ने लगा। जब मंगेश उसके करीब तक पहुंचा तो उस औरत ने मंगेश को देखा, पर ना ही उसने कुछ आवाज़ दी और ना ही उसने कुछ बोली। इस पर मंगेश भी मुस्कुराता हुआ घर जाने लगा, क्योंकि उसे लग रहा था शायद वो औरत भूल गई है कि मैंने उसे उधार लिया है, और वो ये सोचते सोचते घर पहुंच गया। घर जाते ही उसने घर का नज़ारा देखा तो हैरान हो गया, क्योंकि अलमारी से सारे कपड़े इधर उधर फेंके हुए थे, सारे सामान बिखरे पड़े थे। वो चिल्लाते हुए अपनी बीवी को आवाज़ दिया और अपनी बीवी के पास पहुंचकर गुस्से से पूछा, ये सब किसने किया? इस पर बीवी की मानो तो उसे कुछ पता ही ना हो। मंगेश अपनी बीवी का हाथ पकड़कर जब बाहर के कमरे में लाया तो देखा अभी जो फैले हुए सामान थे अब सारी चीज़ें अपनी जगह पर थी। आगे ज़्यादा कुछ ना बोलते हुए चारपाई पे जाकर लेट गया, क्योंकि उसे लग रहा था शायद ये सब उसके थकान की वजह से हो रही है। दूसरी सुबह हुई, वो खेत के लिए निकला और काम करके जब शाम को घर लौट रहा था तभी ऐसा लगा जैसा पीछे से कोई तेज मोटरसाइकिल ने जोरदार टक्कर मारी हो, और वो लड़खड़ाते हुए गिर गया। लेकिन जब वो कराते हुए खड़ा हुआ तो देखा दूर दूर तक कोई न था, ना कोई इंसान और ना ही कोई मोटरसाइकिल। मंगेश अपने कपड़े पर से धूल मिट्टी को हटाकर अपने घर की तरफ बढ़ने लगा। जब घर पहुंचा तो उसने पाया उसकी बीवी जमीन पर गिरी थी। मंगेश तुरंत उसके पास गया और चेक किया तो पाया उसकी सांसें अब नहीं चल पा रही थी। वो जोरों से रोते रोते चिल्लाने लगा। उसकी आवाज़ सुनकर आस पड़ोस के लोग उसके घर के आजू बाजू इकट्ठा हो गए और मंगेश को देखने लगे। उसी भीड़ से एक आवाज़ आई, क्या हुआ? इस पर मंगेश पीछे मुड़कर देखा तो वो उसकी बीवी जो ये सवाल पूछ रही थी। वो डरते डरते अंदर के कमरे में गया तो देखा वहाँ अब
कोई भी नहीं था। मंगेश समझ नहीं पा रहा था कि उसके साथ ये सब क्या हो रहा है। वो सारी बातें अपनी बीवी को बताया और उसकी बीवी ने कहा कि हमें एक बार किसी बाबा को दिखा देना चाहिए। सुबह होते ही वो दोनों गए बाबा के पास और सारी बात बताया मंगेश ने। इस पर बाबा ने मंगेश को कहा कि कोई भी आत्मा किसी को बेवजह परेशान नहीं करती है, कुछ ना कुछ बात होगी जिस वजह से ऐसा हो रहा है तुम्हारे साथ। याद करो ऐसा कुछ जो तुम्हारे साथ अलग हुआ हो। मंगेश ने थोड़ा दिमाग पर जोर देते हुए सोचा तो उसे ऐसी कोई चीजें याद नहीं आ रही थी, क्योंकि उसने कभी किसी का कुछ बिगाड़ा ही नहीं था। इसी बीच सोचते सोचते उसे वो बुढ़ी औरत का वो घटना याद आया। ये सोचते ही वो सारी चीजें समझने लगा, क्योंकि ये सारी चीजें भी उसी दिन से शुरू हुई थी। उसने ये भी ध्यान दिया कि वो सिर्फ शाम को ही दिखती थी उसे, और उसने इस औरत को पहले कभी नहीं देखा था। मंगेश और उसकी बीवी बाबा के यहाँ से घर आए और शाम होने का इंतजार किया, और शाम होते ही मंगेश वो औरत को ढूंढते ढूंढते उसके पास पहुंचा और मंगेश ने उसे सारे पैसे वापस किए और माफी मांगकर घर वापस आया। उसके बाद दोबारा मंगेश के साथ ऐसे कोई घटना नहीं हुई, और ना ही अब वो किसी से उधारी कुछ लेता है। लेकिन आज भी कभी कभी मंगेश को वो बूढ़ी औरत कहीं ना कहीं दिख जाती है भाजी बेचते हुए। क्या आपके आसपास भी ऐसी कोई औरत है, या आपको दिखती है तो संभल जाइए। ये कहानी थी मंगेश की। अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आती है तो कृपया करके लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूले, और साथ ही साथ अपना अनुभव हमें जरूर बताएं। थैंक यू।